राजस्थान के बाड़मेर में दो चचेरे भाई अपने दोस्तों के साथ स्नान करने के लिए गांव में बनी डिग्गी पर गए। इस दौरान पैर फिसलने से दोनों चचेरे भाई डूब गए। स्थानीय गोताखोरों, सिविल डिफेंस और कंपनी की टीम ने करीब 4 घंटे रेस्क्यू कर दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया। घटना बाड़मेर जिले के नगाना थाना इलाके भीमड़ा रतनाली नाड़ी गांव के पास की है। इस सूचना मिलने पर नागना पुलिस और बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे। दोनों के शवों बटाडू हॉस्पिटल की मोर्चुरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा के मुताबिक बटाडू रवाली व निवासी रामचंद्र पुत्र पेमा राम, गोस्वामी राम पुत्र कोजा राम, चचेरे भाई और दोस्त सोमवार दोपहर करीब 1 बजे खेल रहे थे। इस दौरान रताली नाड़ी में भागीरथ राम मेघवाल की डिग्गी पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। स्नान करने के दौरान पैर फिसल गया और डिग्गी में डूब गए। डर के मारे दोस्त भागे। ग्रामीणों और परिजनों को सूचना दी गई। जानकारी मिलने पर ग्रामीणों और पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस केयर इंडिया की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों व सिविल डिफेंस कंपनी की टीम ने डिग्गी में उतर चचेरे भाइयों को ढूंढने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद गोसाई राम के शव को बाहर निकाला। इसके 2 घंटे बाद रामचंद्र के शव को बाहर निकाला गया। इस दौरान डिग्गी में से पानी को निकालकर कम किया गया। दोनों के शवों को फिलहाल बटाडू हॉस्पिटल की मोर्चुरी में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल के साथ अदिति झा की रिपोर्ट।